हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एम एंड एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर पोएट्री स्टूडेंट्स दैट इज डेक्टिल डेक्टिल को समझने से पहले आप प्रीवियस टू वीडियोस को जरूर देखिए जिसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबस को मैंशन किया हुआ है बिकॉज दैट विल मेक अ बेस फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस टू ज्वाइन और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अब बढ़ते हैं इस कंसेप्ट की तरफ डेक्टिल ये कंसेप्ट हमें क्या कहते हैं डेक्टिल Uh, भी आयाम और ट्रॉकी की तरह एक मेट्रिकल फुट है और इसमें और आयाम में क्या डिफरेंस है या ट्रॉकी में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं आयाम में होता था एक अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल ट्रॉकी में होता था स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबल लेकिन यहाँ पर डेक्टेल में है स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स तो डेक्टेल इज अ मेट्रिकल बीट कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबस तो दैट इज द बेसिक डिफ्रेंस बिटवीन अदर पैटर्नस एंड दिस वन अब बढ़ते हैं आगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एग्जाम्पल में हमने दो वर्ड्स लिए हैं टिपिकल एंड पोइट्री अगर मैंने सिंपली इसको बोल दिया तो वी विल नॉट कम टू नो अबाउट द स्ट्रेस बिकॉज नॉर्मल बोलने में कभी भी आपको स्ट्रेस पता नहीं चलता लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी भी वर्ड का देन ऑनली यू कम टू नो अबाउट द प्रॉपर स्ट्रेस तो इस टिपिकल वर्ड को हम जरा प्रॉपरली स्ट्रेस करके बोल कर देखते हैं ज लाइक टिप्पिकल तो आप बोलते हुए ही देखिए कि टी पर बहुत स्ट्रेस आया पी और कल छोटा सा स्ट्रेस आया या नहीं आया सेम वे सेम थिंग गोज फॉर पोएट्री तो पो बोलते हुए आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस के बोला लेकिन uh, स्ट्रेस करके बोला लेकिन ई और ट्री जब आपने बोला तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया इन वर्ड्स पर एंड दिस इज वॉट आई एम इज स्ट्रेस्ड फॉलोड बाई टू अनस्ट्रेस सिलेबस तो टी क्या हुआ ये स्ट्रेस सिलेबल हुआ यहाँ पर और पी और कल ये कंपेरेटिवली वीक सिलेबल्स हुए सेम गोज फॉर पोएट्री पो बिकम्स स्ट्रांग सिलेबल एंड ई एंड ट्री वीक सिलेबल्स तो आगे बढ़ते हैं और एक पोएट्री का एग्जाम्पल लेते हैं हम अब इसको समझेंगे एक फेमस पोएट्री के एग्जाम्पल के थ्रू एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की 1854 की लिखी हुई पोइट्री द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड इस पोइट्री की फर्स्ट लाइन कहती है हाफ अ लीग हाफ अ लीग तो सिंपली पढ़ने में तो इट इज़ जस्ट लाइक हाफ अ लीग हाफ अ लीग लेकिन प्रॉपर स्ट्रेस के साथ प्रॉपर मीटर के साथ पढ़ेंगे तो ये पोइट्री किस तरीके से लगेगी और किस तरीके से साउंड करेगी वो हम देखते हैं अभी तो अब देखिए इन्हीं वर्ड्स को जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं तो पहले समझते हैं वो डम डा का पैटर्न जो कि हमने आयाम्स करते हुए और जो कि हमने ट्रॉकी करते हुए समझा था आयाम करते हुए पैटर्न क्या होता है डडम डम मतलब अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड और ट्रॉकी करते हुए इट इज़ लाइक डम डा स्ट्रेस पहले और अनस्ट्रेस्ड बाद में सेम वे यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या रहेगा डम डडा डा तो स्ट्रेस पहले फिर अनस्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस तो सेम वे वी विल से हाफ एंड हाफ इन स्ट्रेस्ड पैटर्न एंड अ लीग अ लीग इन अनस्ट्रेस पैटर्न इट विल बी लाइक हाफ अ लीग हाफ अ लीग डम डडा डम डडा आई होप आप इसको दो तीन बार खुद से बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे इस पैटर्न को अब एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो कि नर्सरी राइम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है ये नर्सरी राइम काफ़ी पॉपुलर है यूके में और टेक दिस एग्ज़ाम्पल नाउ इसके वर्ड्स कुछ इस तरीके के हिग लेडी पिग लेडी माई ब्लैक हैंड शी लेस एग्स फॉर जेंटल मैन यहाँ पर भी डम डा का पैटर्न आएगा इन दो वर्ड्स में डम uh, डडा को एक बार फिर से प्रोनाउंस करते हैं डम डडा डम डटा सेम वे वी विल प्रोनाउंस हिग लेडी पिग लेडी तो अगर आप थोड़ा सा इन्जॉय करते हुए किसी भी पोइट्री को बहुत ही अच्छे पैटर्नस के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो यू विल रियली फाइंड कि ये स्ट्रेस अनस्ट्रेस के जितने भी रूल्स हैं ये सभी पोइट्रीज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फॉलो ज़रूर होते हैं तो वी हैव रीच टू दी एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू ज्वाइन और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस एंड अगर अगला वीडियो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दिए हुए लिंक को तो यू विल रीच टू एना बेस्ट विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिदम फॉर पोइट्री स्टूडेंट्स सो थैंक्सू लॉड फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एग्जाम्स